तो आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओल्गा आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। नमस्ते गुरुजी को सबसे पहले, तो क्योंकि हमारी आदत है गुरुजी को पहले नमस्ते करने की, और सारी संगत को जय गुरुजी एंड बहुत सारा प्यार। गुरुजी के बारे में ना बोला कि थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा थोड़ा करके कितनी सारी संगत ने कितना सारा कुछ इस लॉकडाउन के पीरियड में बताया। यू नो, कोई 1979, कोई 1980s में, कोई 1990s में, यू नो, और 2000 में, और आज के दौर में भी। तो जब इतने सारे गुरुजी के कल्याण सुनते हैं ना, तो मन जो है ना इतना ज्यादा भावुक सा हो जाता है, इतना ज्यादा प्यार आ जाता है कि देखो गुरुजी कितने सारे लोगों का भला कर रहे हैं, कितना सारा हमारे अंदर बदलाव ला रहे हैं। ऐसे ही हम अपना सत्संग, जहां से, जिसको कहते हैं ना हमारा जो सीड होता है, जो हमारा बीज होता है, जहां से हमारी शुरुआत होती है, जैसे बीज अगर पानी डाला, उसमें खाद डाली और सही सनलाइट मिलती है, तो क्या होता है कि बीज अंकुर बन के खूब सारा बड़ा सारा पेड़ बन जाता है। इसी तरीके से हम भी जब गुरुजी के पास गए तो हमारे अंदर भी कितने सारे बदलाव आए। गुरुजी ने हमें इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा धीरे धीरे ज्ञान भी दिया, इतना सारा हमारी जिंदगी में प्रकाश किया, रोशनी करी। तो मेरे जीवन में प्रकाश 2005 में जब गुरुजी आए तो तभी मेरे जीवन में प्रकाश हुआ, नहीं तो जिंदगी ऐसे लग रहा था जैसे अच्छी है, कोई बुरी भी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बट प्रकाश उनके साथ ही हुआ हमारे जीवन का, जैसे होता है ना सच का प्रकाश। तो मेरी जर्नी शुरू हुई 2005 में, और कहते होते ना कि जब बहुत ज्यादा आप दुखी होते हो या जब आपका कोई नहीं होता, तब आपका गुरु आपके सामने आता है और गुरु आपके जीवन में आता है या परमात्मा आपके जीवन में आते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि हमारा अच्छा खासा जीवन चल रहा था, बट हमने जब अपना पहला हेलीकॉप्टर लिया, तो अभी गुरु जी से मिले नहीं थे, तो हमने जब वो हेलीकॉप्टर लिया तो सारा मार्जिन मनी देके और बैंक से लोन लेके लिया था, तो हमने खरीद लिया, और वो भी हमने ब्राजील साओ पोलो से खरीदा, एक प्री ओन्ड हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं, कि पहले जिसके पास 100 घंटे उड़ा था। तो हम वहां, मेरे हस्बैंड वहां लेने गए, नीरज भाटिया वो लेने गए चॉपर। तो जब वो चॉपर लेने गए तो वहां पर पोर्चुगीज लैंग्वेज में सारे डॉक्यूमेंट्स थे, हमें पता नहीं था, जो एजेंट था वो भाग गया, उनको तो पैसे मिल गए, और जो आपके जो जिससे हमने खरीदा था, जो सेलर था, वो कहता कि मेरा, और माफिया टाइप का था, वो कहता मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके पेपर्स ठीक नहीं थे, उसके पेपर्स ये थे कि उसमें एक्सपोर्ट लाइसेंस उसका एक्सपायर हो चुका था, और अगर एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो आप ना वो चॉपर उसके एक्सपोर्ट लाइसेंस पे आपकी कंट्री में लेके आओगे और हमारा इम्पोर्ट लाइसेंस। तो बड़ी परेशानी हुई, 15 दिन में जो चॉपर यहाँ आना था वो नीरज वहां पर 2.5 महीने ब्राजील में रहे। मैंने सोचा पता नहीं अब काला जादू हो गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारा ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक होता है, यू नो, ब्राजील में, और मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि बैंक वाले आरबीआई वाले पीछे पड़े थे कि आपने हवाला कर दिया है, यू नो, इतने सारे करोड़ रुपए आपका हवाला हो गया और आप लोग अपना चॉपर नहीं लेके आ रहे, क्योंकि नई चीज थी बैंकों के लिए भी। सो ऐसे करते करते मैंने बोला वापस आ जाओ, हम देखेंगे क्या करना है। तो नीरज आ गए वापस, और एक दिन ऐसी मंडे वाले दिन अपने ऑफिस में बैठे थे, तो गुड़गांव संगत है हमारे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत पुराना हमें जानते हैं, कमांडर नागपाल हैं, गुड़गांव संगत हैं वो, और बहुत अजीज हमारे और बहुत ही नेक इंसान। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि नीरज बहुत उदास बैठा हुआ है और बहुत सारे यू नो मतलब बहुत परेशान सा बैठा हुआ है, और नहीं तो नॉर्मली हंसता खेलता, जोकिंग अराउंड, यू नो, जैसे खूब हंसी मजाक वाले। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप ना, तू आज इतना उदास क्यों बैठा है? तो नीरज ने बोला मेरे लिए तो सारे यू नो दरवाजे बंद हो गए हैं, अब तो कोई मेरी मदद ही नहीं कर सकता, मैंने हर जगह गुहार लगाई, इंडियन एम्बेसीज में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। तो कह रहा है ऐसा है कि आप, मैं ना गुरु जी के पास जाता हूँ 2-3 साल से, तो आप गुरु जी के पास चलो। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि 4 लोग एक थाली में लंगर खाते हैं और चाय प्रसाद होता है, गुरुजी से कुछ पूछना नहीं होता, बस मत्था टेकना, अगर वो कुछ पूछे तो आप बता सकते हो। तो उन्होंने बोला फिर मैं उनको कैसे पता लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? कह रहे तो बस चला जा थर्सडे को, और मेरा सैटरडे को दिन होता है। तो पूरी गाइडेंस के साथ उन्होंने हमको वहां भेजा, बट
पहली बार तो मैं गई नहीं, क्योंकि मैं कोई गुरुओं के को नहीं मानती थी। मतलब मैंने कभी किसी के गुरु के आगे कभी सजदा नहीं किया, मैं किसी गुरु के पास कभी गई नहीं। ज्यादा परमात्मा भगवान इतने सारे विश्वास नहीं, कोई नवरात्रे नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई कोई रिलीजन से ज्यादा नहीं है। एक दो जगह जा सकती थी जहां मुझे अच्छा लगता था, बंगला साहब और साईं बाबा मंदिर लोधी रोड वाला, बस इसके अलावा कोई मंदिर नहीं। सो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं जाती, ऐसे पता नहीं कौन से गुरु हैं, क्या गुरु हैं, आप जाओ पहले, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो फर्स्ट टाइम नीरज गए, तो वहां गए और जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कुछ तो बात है उनमें। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं सब कुछ जैसे बोला, चाय प्रसाद लिया, मत्था टेक, कहते हैं जब मत्था टेका तो मुझे गुरु जी ने पूछा कि तू ठीक है, तो मैंने बोला हाँ जी गुरु जी ठीक हूँ, और मैं बैठ गया, लंगर वंगर खाया। कह रहे बट 2-2.5 घंटे जो वहाँ शांति थी, जो जो बिजनेसमैन जो होते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्पेशली मेन फोक ज्यादा अपने काम के बारे में, चाहे वो सर्विस क्लास भी हो तो भी वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं काम का, तो 24 घंटे दिमाग चलता है। तो कह रहे वो मेरा जीरो हो गया एकदम, एकदम मैं शांत सा हो गया, ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। मैंने कहा कहते फिर संडे को चलेंगे, तो हम संडे को गए। जैसे ही संडे को हम वहां पहुंचे तो जैसे उनको देखा, एक तो नूर टपक रहा था उनका और खुशबू इतनी आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्शन क्या होना चाहिए। मतलब आंखें खुली रह गई, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या रिएक्ट करना है, बस ये पता था कि मत्था टेकना जाके। और देखा तो इतने खूबसूरत से प्यारे से गुरुजी वहां बैठे हुए हैं, यू नो एकदम जैसे हम शिव का शिव पुराण में या शिव का वर्णन सुनते हैं, गौर यू नो एकदम गोरे और गौर वर्णन जिनका होता है। सो उनको देख के इतनी खुशबू आ जाए, मैंने कहा बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है गुरुजी ने, मतलब इन्होंने गुरुजी ने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया, पूछूंगी कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे दिमाग में ख्याल आया। एनीवे हम मत्था टेकने गए, तो जैसे ही मत्था टेका, तो जैसे ही मैंने मत्था टेका तो मैंने मुझे गुरुजी ने बोला तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई मेरे को। मैंने कहा मैंने भी मत्था टेक के ऊपर देखा और सीधा वैसे ही हाजिर जवाबी में बोला आपने मुझे बुलाया ही नहीं, यू नो सीधा ऐसे फटाक से मुंह फट जिसको कहते हैं। मुझे कहते तू तो कमली है। मैंने कहा पता नहीं क्या है सिस्टम है, हमें पता नहीं है, बस चाय प्रसाद दिया, यू नो शब्द कीर्तन चला, और शब्द कीर्तन हम सुनते नहीं थे, हमें आदत नहीं थी, बट अब देखो सारी संगत कितने प्यार से शब्द कीर्तन सुनती है, हमारा हमारा सोल फूड जिसको कहते हैं हमारी आत्मा का, हमारी आत्मा की खुराक है शब्द कीर्तन। सो पहला मुझे याद है चरण कमल की टेक, यू नो ये वाला शब्द सुना और मैं रोती गई, आंसू आते गए, पता नहीं थे आंसू आ रहे हैं। तो नीरज बोलते तो इतनी दुखी, ठीक है प्रॉब्लम्स है पर इतनी भी क्या दुखी है कि रोए जा रही है। मैं क्या करूं, मेरे आंसू बह जा रहे हैं, मुझे पता नहीं लग रहा। एनीवे थोड़ी देर बाद हमें गुरुजी ने बुलाया, अपने पास बिठाया और बोला अच्छा कितों आयो। मैंने पहले पूछा मेरा नाम किया, मैंने कहा गुरु जी ओल्गा, ऐसे पंजाबी वाला नाम नहीं है। मैं कहा नहीं नहीं गुरु जी रशियन नेम है। फिर कहते अच्छा कितों आयो, ग्रेटर कैलाश, उते गटर कैलाश है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल गुरु जी, बड़ी गंदी सड़कें हैं वहां पर। फिर सारा पूछा यू नो बच्चे कितने हैं, फिर सारे रिश्तेदार और पता नहीं कितने सारी चीजों के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ कहाँ से, कहाँ से पीछा है ये वो, मतलब कहाँ से हम आते हैं। सो उसके बाद फिर उन्होंने बोला अच्छा हूँ दसो थोड़ी प्रॉब्लम किया है। तो जैसे ही गुरुजी ने बोला तो नीरज ने बताया कि ये मेरा हेलीकॉप्टर वहां फंस गया है और मैं ला नहीं पा रहा हूँ गुरुजी, और समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो सब कुछ कहते हुए गुरुजी ने बोला इंच करी 5.25 ग्राम दा ओम बना के लेके आई, मैं ब्लेस करांगा फिर चला जाए, ठीक है। और उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे कि मैं 5.25 ग्राम का ओम, क्योंकि सारा पैसा हमारा लग चुका था, जो जमा पूंजी थी सेविंग्स थी वो भी हमने मार्जिन मनी में लगाई थी, क्योंकि हमारे पास कोई कुछ तय नहीं, पैसा तो था नहीं। नीरज सेल्फ मेड मैन है, छोटे से शुरू किया था काम। सो उन्होंने फिर ये बात बोली तो हमें जैसे तैसे करके बना लिया और गुरुजी ने वो ब्लेस किया और फिर बड़े प्यार से बोला मेरे ना 7 जुलाई नु बर्थडे, आ जाना बर्थडे मंदिर। और मैंने कहा अच्छा ठीक है बड़े मंदिर चलेंगे, मतलब फिर पूछा हमने कहा बड़े मंदिर, हम 7 जुलाई को गए। फिर नीरज चले गए ब्राजील अराउंड 16 जुलाई और 15 जुलाई, और जाने से पहले गुरुजी ने बोला आशीर्वाद लेके गए तो ब्लेसिंग लेके, तो उन्होंने बोला 2 हफ्ते बीच तेरा हेलीकॉप्टर इतने हो, तो मंडे वाले दिन आपने ये ओम पहन लेना है। सो तो नीरज वहां पहुंचे मंडे को ही, फटाफट वो ओम पहना अपना चेन के अंदर और सोचा अब तो सारे चमत्कार हो जाएंगे, अब तो जैसे वेलकम होता है ना, जैसे पहन लिया तो कोई जादुई चीज पहन ली तो अब सारे काम हो जाएंगे हमारे।
मंडे को गए तो फिर वो जहाँ से परमिशन मिलनी थी एक्सपोर्ट लाइसेंस की, उन्होंने फिर बोला कि आप फिर आ गए, यहाँ ही उड़ा लो, 3 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लगेंगे, ब्राजीलिया जाएगी जो उनका कैपिटल है, वहां फाइल जाएगी, फिर आएगा ये। बड़ा परेशान हुए, सारा दिन वहां लगा के आए, फिर ट्यूसडे को गए, सारा दिन लगा के आए, फिर वेडनेसडे को गए। तो इतना गुस्सा आ गया नीरज को कि उन्होंने बहुत जोर शोर से, वायलेंट से, मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया कि मैं यहाँ इंडिया से आया हूँ, मेरा तो सब काम रुक जाएगा, आप ये नहीं कर सकते मेरी मदद। एनीवे उन्होंने पुलिस बुला के बोला सिक्योरिटी की, आप इनको लेके जाओ। एनीवे उन्होंने जब ये बात बोली तो मेरे को वेडनेसडे को फोन आया कि यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा, तो जाके गुरुजी से पूछ के आ क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं थर्सडे को जाऊंगी, अब गुरुजी से पूछूंगी कि कुछ हो नहीं रहा गुरुजी। एनीवे इतनी देर में गुरुजी के साथ मेरा खिंचाव भी बढ़ता गया। मैं थर्सडे को वहां एम्पायर स्टेट पहुंची तो वहां तो अंधेरा, गेट बंद, कोई लाइट्स नहीं जल रही, बिया बांध जैसे होता है, अंधेरा होता है जैसे। मैं कहा लो गुरुजी तो लगता है यहाँ से चले गए, भाग ही गए लगता है, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, मतलब ऐसे ख्याल आते हैं ना आपको, अब क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। तो इतने में अंदर से कोई आता है, वो बोलते हैं ऐसे है आज ना गुरु पूर्णिमा है, आज बड़े मंदिर में, आज बड़े मंदिर जाओ, वहाँ फंक्शन है, गुरुजी वहाँ है। मैं बड़ी खुश हो गई, मैं कहा चलो दिल्ली में तो है, कम से कम गए तो नहीं कहीं। और मेरा ड्राइवर है जो था अशोक, वो पहले गुरुजी के पास जा चुका था और उनकी ब्लेसिंग ले चुका था, कहते मुझे पता है मैडम रास्ता कहाँ पर है बड़े मंदिर का, तो वो मुझे बड़े मंदिर ले गया। और जब बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ इतना सुंदर सा एक भव्य समारोह जिसको कहते हैं, जहाँ समाधि है वहां पर स्टेज लगा हुआ था, नीलम शर्मा वहां पर आई हुई थी चंडीगढ़ से गाना गाने, वो आई हुई थी। और फिर बड़ा खूबसूरत सा माहौल, तब ना ज्यादा कार्पेट्स वापेट्स नहीं होते थे, पंखे भी कम होते थे, और जुलाई का महीना था, इतनी गर्मी, पसीने से हम सारे भरे होते थे, पानी भी इतना ज्यादा नहीं, मतलब आप इमेजिन करो आजकल आपको कितनी फैसिलिटीज यू नो गुरुजी प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, कितना आपको सौखा बना दे, कितना सर आंखों पे बिठा के रखती है। तब हमारे पास, हम बड़ी मस्ती में जाते थे, हमें भूख प्यास भी नहीं लगती थी उस टाइम। सो जब मैं वहां गई तो वहां बैठ गए गुरुजी सोफे पे, वहां बाहर बैठे थे जहाँ पर शिव जी की मूर्ति वहां लगाया हुआ था, बड़े सुंदर से यू नो गुरुजी एज यूजुअल इतने सुंदर उनका रूप। मैं तो वहां जाके बैठ गए, वो गाना गाए कभी लट्ठे दी चादर, मैंने कहा ये मंदिर बड़ा अच्छा, लट्ठे दी चादर, पंजाबी के गाने टप्पे, बीच में शिव के भजन, और बहुत सारे जैसे कभी राम बन के कभी श्याम बन के, ये सब इन्होंने नीलम शर्मा ने गाए। और उसने एक गाना गाया जैसे शुरू किया, दमादम मस्त कलंदर, यू नो उस गाने पे मेरे से कोई डांस नहीं कर रहा था, तो हम चुपचाप बैठे थे, तो जैसे ही उन्होंने जब वो गाया गाना दमादम मस्त कलंदर, तो मेरे सडनली मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे से रुका नहीं गया, मेरा मन किया मैं नाचूं और किससे पूछूं क्या करूं। तो आई थिंक अक्कड़ अंकल वहां खड़े थे, तो मैंने उनकी तरफ आंख उठा के देखा और उन्होंने बोला जाओ, मतलब आंखों से इशारा कर दिया जाओ नाच लो। बस वो दिन था जैसे उन्होंने कहा कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन, यू नो बस मैंने उसी टाइम उस गाने के अंदर ही अपना सरेंडर कर दिया। सरेंडर ऐसे उस दिन बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी आज तन भी आपका, मन भी आपका, आत्मा आपकी, सब कुछ, दिल सब कुछ दिया आज, यू नो जैसे गुरुजी से इश्क हो जाता है, एक यू नो सूफियाना कलाम में इश्क बहुत प्यारी सी चीज होती है, तो गुरुजी से इश्क हो गया, इतना प्यार हो गया, फिर भूल भाल गई। फिर आधा पौना घंटा संगत के साथ डांस करवाया गुरुजी ने, बहुत संगत के, संगत को उठा के भी डांस किया हमने, खूब डांस किया, पसीने से भरे, पानी नहीं, कुछ नहीं, भूख नहीं, लंगर वंगर कुछ नहीं किया था। 12 बज गए रात के, इतने में देखा कि 11 मिस्ड कॉल्स आई हुई है नीरज की ब्राजील से। मैंने उनको बोला कि, फिर फोन किया मैंने, मंदिर से ही फोन करा, क्योंकि तब तो मैं ऑन ही कर लेती थी या साइलेंट मोड पे रखती थी फोन। तो मैंने, उन्होंने बोला कि तू गुरुजी के पास नहीं गई, यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, आज भी मुझे ऐसे ही बोल दिया गया ये वो, पता नहीं कितने आज का डिफरेंस है वहां पर। सो मैंने कहा अच्छा, मैं, आप ऐसा करो, आप सरेंडर कर दो गुरुजी को, मैं बड़े मंदिर ही हूँ, मैं अंदर जाके पूछ लूंगी। तो बात हो गई, कहते सरेंडर कैसे करना, मैं कहा ये तो मैं नहीं जानती, आप जानो आपको पता होगा। ऐसे मैं अंदर गई तो 2:30 बज गए थे रात के, लंगर खाया और फिर यू नो पानी और जो भी मिला हमें वहां पर, लंगर प्रसाद मिला, हम वहां अंदर गए। और जैसे ही मैं 2:30 बज गए थे रात के, तो मैं मत्था टेके आज्ञा लेने लगी, तो गुरुजी कहते तू तो बड़ा सोना नाच दिया। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो मैंने बोला गुरुजी नीरज की 11 मिस्ड कॉल्स आ गई है, वहां तो कोई काम नहीं बन रहा। गुरुजी कह रहे ले, जब तू नाच रही सी ते मैं तेरा कल्याण ही ते कर रहा सी। और फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी उस दिन ब्लेसिंग्स दी और
बहुत सारी, जब आने वाले टाइम में पता लगेंगे, अभी तो नहीं बट आएगा टाइम, जिन उनके वचन है, तीन वचन इन्होंने तीन बार कहे तो वो वचन पूरे होते हैं। और तो उस फिर मैं जब वापस आई तो मैं तो इश्क में गिरफ्तार, मैं तो गुरुजी को इतना याद कर रही थी, बट इश्क का गिरफ्तार का मतलब होता है कि बहुत एक डिवाइन प्यार होता है इसको, ये नहीं कि ये नॉर्मल इंसानों वाला प्यार नहीं होता, ये कुछ और चीज होती है, परमात्मा से प्यार, उसको इश्क भी कह सकते हो, एक बिलावट का प्यार होता है। सो ऐसे मैं पूरे रास्ते शब्द भी सुनती रही और गुरुजी पे प्यार भी बहुत आता रहा, मैं भूल भाल गई दुनिया में अब क्या हो रहा है। और नेक्स्ट डे जब मैं उठी दोपहर के टाइम, तो मुझे नीरज का मैसेज आता है कि आई एम ब्रिंगिंग द हेलीकॉप्टर। मैंने कहा ये क्या हो गया। सो मैं वेट कर रही थी, कहते मैं कॉल करता हूँ बाद में। सो मैं वेट करती रही, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा है कि जब तूने मुझे बोला कि तू सरेंडर कर दे, मैंने तो अपनी तीन चार पटियाला ड्रिंक्स बनाई और अपना पी ली पूरी, और उसके बाद मैं इतना ड्रंक हो गया, इतना मैंने पी ली कि मैंने बस हाथ खड़े करके बोल दिया गुरुजी उन सरेंडर, जो तुसी करना है तुसी करो। कह रहे उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे फोन आ जाता है, जिस ऑफिशियल ने मेरे को मना किया था कई बारी, वो कहता है मेरे घर आ जाओ। कहता है मैं इतना इतना पी हुई थी, इतना ड्रंक था कि मुझे पता नहीं लगा कि ये सच है कि सपना है। तो मैं टैक्सी लेके वहां पहुंचा, वहां पहुंचा उसने मुझे ऑफिस ले गया, ऑफिस लेके फिर मुझे उसने बोला कि आप है ना ऑफिस चलो। फिर बैकडोर एंट्री की और हैंड रिटन परमिशन दी, एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया 15 डेज का कि आप यहाँ से लेके जाओ। तो नीरज सोचा था कि मैं रियलिटी में हूँ, सच में हूँ, क्या हो रहा है। कह रहे मुझे चुंडी मारो, यू नो। तो उन्होंने बोला जस्ट पिंच मी। तो कह रहे अच्छा, तो उसे पिंच किया या चुंडी मारी, तो नीरज की साड़ी जो थी वो उतर गई और उसने बोला आपने कैसे कर दिया, आप तो मुझे 4 दिन से धक्के मार रहे हो, आज कैसे कर दिया, और वो भी ऑफिस आज। आपको पता है जब गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद हो जाते हैं इंडिया में भी तो कोई जाके खोलता नहीं है, सेम वहीं पर वैसा ही हाल है ब्राजील में। तो कह रहे नहीं आप जाओ, आपको क्या करना है, आप अपना लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। कह रहे क्या हुआ फिर भी बताओ। कहते हैं मैं जब से घर गया हूँ ना, मेरे दिमाग में कोई बैठा हुआ है और मेरी आवाजें आ रही है मुझे अंदर से कि यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो एंड रेक्टिफाई इट। मतलब कि आप जाओ नीरज का काम करो, और क्योंकि तुमने इसके साथ गलत किया है। ऐसी वो जब उन्होंने ये बात कही तो आप सोचो कि कौन हो सकता है जब ये बात बोली। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी के अलावा और कोई इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी ने सच में कर दिया जो कह रहे थे। और सारा कुछ करते हुए बहुत सारे स्नैग्स आए, टेक्निकल स्नैग आया, मतलब जो जिसमें हमारा फ्रेट फॉरवर्डर ने बोला था कि अब नहीं लेके जा सकते, तो फिर स्नैग आ गया, फिर लोड हो गया हमारा चॉपर, यू नो हेलीकॉप्टर। और 2 हफ्ते के अंदर अंदर जैसे गुरुजी ने वचन किए थे वैसे वैसे हमारा चॉपर आ गया। अच्छा, इसके बीच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अगर ये पीने वाली बात करी कि पी के सरेंडर किया, बट ऐसा नहीं है कि सारी संगत को इसी को फॉलो करना है कि ये भी एक सरेंडर का फॉर्म है। ये अपना अपना एक इंडिविजुअल वो है, ये ना कि सारी बोतलें खोल के बैठ जाए और पीने लगे और बोले कि सरेंडर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये हमारा अपना एक सत्संग है जो मैं सुना रही हूँ। थोड़ी हिदायत देनी पड़ती है ना, नहीं तो भेड़चाल हो जाती है हर जगह। सो सॉरी अबाउट दैट, बट बात कहनी थी ये जरूरी। और जैसे ही हम गुरुजी को थैंक यू बोलने गए, मत्था टेकने गए, तो गुरुजी ने हमने जैसे ही किया तो गुरुजी भी हंसी मजाक वाले बहुत थे, सीरियस वाले नहीं थे। तो आप भी जरा मुस्कुरा के सुनो सत्संग, यू नो गुरुजी भी मुस्कुराते हुए सुनाते थे और मुस्कुराते रहते थे, यू नो ज्यादातर। और संगत को भी हमें मुस्कुराना चाहिए बहुत सारा। तो हमें कहते हैं कि जिना दे हेलीकॉप्टर आ गए वो पीछे जाके बैठन, जिना दे नहीं आए वो अग्गे आके बैठन। तो पूरी संगत हंसी, गुरुजी भी हंसे, हम भी हंसे। और इससे याद आ गया मुझे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। तो एक दिन ऐसे गुरुजी बैठे हुए थे और जग्गी ग्रेवाल अंकल हैं वो अपना छोटा सा, हम थोड़े से जने थे ना, तो बैठे सुना रहे थे कि कैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी यू नो गुरुजी ने ऐसे चला दी और हमें पता ही नहीं लगा। तो सारे मजाक कर रहे थे, तो नीरज ने भी मजाक किया यू नो कि गुरुजी अगर साढ़े हेलीकॉप्टर बिच भी अगर सानू तेल ना पवाना पाए कितना चंगा होगा, बड़े सारे मेरे पैसे बच जाएंगे। गुरुजी खूब हंसे, इतना हंसी मजाक हुआ कि देखो कि कह रहे हमारे साथ भी ऐसा कर दो गुरुजी, हमारा भी पैसे बच जाएंगे। सो और गुरुजी बड़ी जोर से हंसे और सारी संगत हम बहुत हंसे। सो गुरुजी को भी तो प्यार चाहिए, गुरुजी को भी तो हमारे साथ एक अपनापन चाहिए। वो इतना अपनापन देते हैं, ये उनका अपनापन हमने यू नो देखा और ये सीखा, अपनापन जिसको कहते हैं। गुरुजी ने हमें अपनाया, अपनापन दिया, और ऐसे ही हम भी संगत को एक दूसरे को अपनापन दें, यू नो
ये हमने ऐसी ऐसी चीजें हमने सीखी, हमें कोई गुरुजी ने बोली नहीं पर हमने ये सीखी देख देख के। फिर इसके बाद एक और सत्संग सुनाती हूँ कि जब मैं साई बाबा को मानती थी पहले बहुत, तो कितने सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हैं, वो आपके मन में आता है कि क्या करें। हम पहले किसी और के पास जाते थे, हम किसी और को मानते थे, किसी और की पाठ पूजा करते थे, अब हम गुरुजी के पास आ गए हैं तो कहीं हम गलत तो नहीं करें, कहीं वो भगवान हमसे नाराज ना हो जाए, या हम पुरानी परंपरा हमारी चली आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका भी मेरा डाउट गुरुजी ने क्लियर कर दिया। तो एक दिन मेरे को लगा था कि मैं गलत कर, मैं ना गुरुजी की तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं ना साईं बाबा को मानना बंद कर दिया, मेरे को ख्याल नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं कि गलत तो नहीं करी, ऐसे ही ख्याल आता गया। पर गुरुजी से पूछ नहीं सकते थे कि गुरुजी मैं आपको मानू या साईं बाबा को मानू, ये अदब कहता ही नहीं है हमारा। तो मैं एक हफ्ता बड़ी परेशान हुई, रात को नींद आए, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो एक दिन सपने में आए गुरुजी, और जब गुरुजी चोले में थे तब भी स्वप्न दर्शन देते थे गुरुजी बहुत सारे, आज भी देते हैं, बट एनीवे। सो तब ऐसे है कि मैं रामनवमी वाला दिन है और मैं साईं बाबा के मंदिर में है, और मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड मैडम नीरज, हम सारे लगे हैं लाइन में साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और मेरे हाथ में फूलों का टोकरा है, मैं हमेशा लेके जाती थी गुलाबों की माला साईं बाबा के लिए बड़ी वाली। सो मैं ऐसे लेके उनके अंदर जाती हूँ, जब अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ बाबा आसन पे है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ आसन। मैं मन में सोचूं कि इतने सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और बाबा की तो मूर्ति है ही नहीं वहां पर। तो जहाँ पच्चन पड़े वहां पर उनके निशान है, या पच्चन होते हैं साईं बाबा के मंदिर में जहाँ पंडित जी आसपास बैठते हैं, तो वहां पर ना गुरु जी आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर से व्हाइट कलर के साटन सिल्क के प्लेन कुर्ता लुंगी के अंदर। और मुझे देख के मुस्कुरा, मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे कहते हैं एक कोई लड़ पकड़े रख, इतने उत्ते पटकन दी लोड़ नहीं है ये। मैंने फिर उस दिन के बाद से गुरुजी का पल्ला पकड़ लिया और फिर मैं उनकी होके रह गई, मतलब डाउट्स कैसे क्लियर किए, और फिर उन्होंने अपने नाम का अमृत पिलाया मुझे। तब से लेके आज तक मेरे मन में कभी कोई डाउट नहीं आया कि मैं इसको मान रही थी तो वो नाराज हो जाएगा, तो वो मेरे को श्राप हो जाएगा, मेरे काम सवरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप गुरुजी को मत्था टेकते हो ना अपना पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, तो सारे देवी देवताओं को आपका मत्था टेक जाता है। जब आप गुरुजी को मत्था टेकते हो और उनको सब कुछ मान लेते हो, तो आप अपना दुख, आपकी प्रॉब्लम्स, आपका आप किस चीज का मत्था टेकोगे? आप मत्था अपने क्या टेक सकते हो? मत्था टेकते टाइम यही हो सकता है कि बोलो गुरुजी मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना आप पैसा दे सकते हो गुरुजी को, ना आप हमारे अंदर वो प्योर भाव भी नहीं है प्यार का। हम कहते तो हैं पर हमारा कंडीशंस के साथ गुरुजी के साथ प्यार होता है, तो हमारे पास पता है क्या चीजें हैं, नेगेटिविटी है देने के लिए, दुख है, दर्द है, तो वो उनके चरणों में रख दोगे ना तो बहुत सारी, क्योंकि जब उनके चरणों में सब कुछ निकाल के रख दिया, सब कुछ वो स्पोर्टली सौंप दी ना, तो आपके अंदर आप एक नए से बन जाओगे और आपके अंदर गुरुजी बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारा प्यार भर देंगे, क्योंकि आप खाली हो गए उन सब चीजों से। तो मत्था टेकते टाइम जब उनको मत्था टेको तो सारे देवी देवताओं को टेक जाता है मत्था, क्योंकि इतनी पावर है गुरुजी के पास, इतने पावरफुल है हमारे गुरुजी। और गुरुजी तब भी ये कहते थे कि ना मेरे जैसा कोई आया है, ना मेरे जैसा कोई है, और ना मेरे जैसा कभी आएगा। तो जब ये बात बोलते थे तो मैं भी मन में सोचती थी कि कितने पावरफुल होंगे ना गुरुजी, कितना कुछ है, हम तो प्यार में पागल हुए पड़े थे, हमें पावर से लेना देना कि कितने गुरुजी पावरफुल है क्या है, मुझे नहीं, हमें नहीं पता। मुझे तो सिर्फ लगता था कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और बस यही जानती हूँ, और मुझे और कुछ नहीं पता पावर है, कितनी पावर है, इतनी खोजबीन करी नहीं कि कैसी पावर है, गुरुजी शिव जी है, गुरुजी वो है, गुरुजी कृष्ण जी है, गुरुजी क्या है, क्योंकि मेरे लिए साक्षात वही रूप है जो उन्होंने मुझे दिखाया और मुझे वही पता है, तो मेरा प्रेम उनके साथ इस रूप में ही है। अगर वो जटाधारी बन के आ जाएंगे तो शायद मेरा प्रेम इतना नहीं होगा जितना कि मेरा इस रूप से प्रेम है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं से आया है, इस तरीके से आपके वो डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो इसलिए कभी भी मन में नहीं सोचना कि आपने हम इतना मानते हैं, इतने पाठ करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिख धर्म को मानते हैं उनके लिए गुरुजी वही वाला पाठ कहते थे। अगर हम जैसे हमें धर्म है, मतलब अलग अलग धर्म बनाए हुए, बट एक गुरु तो एक है, परमात्मा तो एक है, बट पाठ अलग अलग है। तो जिस जिस धर्म के पाठ है वही पाठ आपको वो बोलते थे। अब अगर आप
अब गुरुजी कोई क्रिश्चियन है तो उसको बाइबल बोलेंगे, जो मुस्लिम है वो उनको बोलेंगे आप कुरान शरीफ पढ़ो, या जो सिख है उनमें बोलेंगे कि आप चौपाई साहब का पाठ करो या सुखमनी साहब का पाठ करो, और अगर हम है तो हमें बोला शिव पुराण पढ़ो, यू नो। तो ऐसा नहीं है कि एक की दवाई दूसरे को लगेगी, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सिंपल सा सरल सा तरीका है गुरुजी से जुड़ने का, कोई क्योस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इस तरीके से गुरुजी ने जैसे हम धीरे धीरे चलते गए तो बहुत सारे डाउट्स भी, ऐसे मेरा ये एक डाउट क्लियर किया। अब बात करते हैं प्रेम की, कि अगर आप आपका जो थॉट है, जो आपके मन का जो विचार है ना, आज भी पहले भी हर टाइम गुरुजी को पता है, क्योंकि वो अंदर विराजमान है, तो वो हमें अंदर से भी देखते हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है वो भी दिखता है, हमारे विचारों में क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स में क्या हो रहा है वो भी उनको सब सुनाई देता है। हमें लगता है कि हमारे हमारे अंदर थॉट है, गुरुजी को क्या पता, गुरुजी सब जानी जाने, आज भी वो जानते हैं। इसका मैं आपको दो छोटी सी पहले का और बाद का भी सुनाती हूँ कि जब गुरुजी चोले में थे तब वो कैसे थॉट्स पढ़ते थे और आज भी कैसे वो थॉट्स हैं, और वो ठोस थॉट्स होते हैं, वो ना जिसको कहते हैं ना ठोक बजा के वो आपको बताते हैं और क्लैरिटी देते हैं, कहीं डाउट नहीं आता उसके अंदर। क्योंकि मैं किसी को पूछूंगी नहीं जाके कि मेरा सपना सही था कि ये क्या इसका मीनिंग है, क्योंकि वो क्लियर कर सपना होगा, क्लियर आपको अंदर आएगा वो सपना, जो भी ड्रीम आता है गुरुजी का वो आपके लिए होता है, और राइट टाइम पे वो ड्रीम बताना चाहिए, काम पूरा हो जाए तब जाके, जब आपका वो जो भी ड्रीम जिसमें जो भी गुरुजी ने कहा वो पूरा है तब आपको बताना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरा रह जाता है। तो बहुत सोच समझ के अपने ड्रीम्स में बताओ, बहुत सोच समझ के वो ये मतलब ऐसे चलते फिरते एवी गुरुजी ने मुझे ये कह दिया, एवी गुरुजी ने, मतलब चलते फिरते आपके मन के अंदर है ना, तो आप अपने मन में रखो, आप दूसरों को ना बताओ कि एवी मेरे को गुरुजी कान में ये बोल रहे हैं, गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिया, गुरुजी ने मुझे वो मैसेज दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी को बोलते हो, जैसे कोई मेरे को बोलता है कि ये गुरुजी का मैसेज आया है मुझे, यू नो, मेरे दिल में नहीं उतरता, क्यों, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है उस मैसेज में, मुझे उस मैसेज से डाउट रहता है, क्लैरिटी नहीं आती। तो जो आपको मैसेजेस आते हैं, गुरुजी चलते फिरते ऐसे नहीं है, गुरुजी पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो ऐसे नहीं आके ऐसे सरसरा कह जाएंगे आपको। तो बहुत ध्यान से आपको रहना चाहिए सारी संगत को, कि बात सुनो सबकी, बट जो दिल में उतरे वही सही बात है। किसी की बातों में नहीं आना, किसी के कुछ में नहीं आना, आपको कनेक्शन अपना डायरेक्ट गुरुजी से करना है और आपको जवाब मिलेगा मिलेगा। इससे मैं आपको बताती हूँ कि थॉट कैसे पढ़ते हैं, आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी है, कि जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो मेरा मेरा बर्थडे आता है 14 फेब को, तो मैं ऐसी ट्यूजडे को पढ़ रहा था मेरा बर्थडे, और मैं ना गुरुजी के पास संडे वाले दिन गई 12 फरवरी को। तो ऐसे गुरुजी ना जब आसन पे बैठते थे तो बड़े रोब, यू नो, इतना ऐसे लगता था बड़ा विराट सा रूप लगता था, और कुछ कहते हुए भी हमें ना संकोच होता था, डर सा लगता था, मतलब हम बात ही, वैसे भी हम बात ही नहीं कर सकते थे, बट वैसे तो, बट जब वो पैंट शर्ट में कार्पेट पे बैठ जाते थे तो जैसे अपने होते ना गुरुजी नीचे बैठ जाते, क्यूट से, प्यारे से, छोटे से, यू नो, जैसे लगते पैंट शर्ट में बड़े सुंदर से लगते थे, तो वहां बैठे हुए थे। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा ना 14 फरवरी को बर्थडे, आप दर्शन दोगे? कह रहे मैनू पता है तेरा 14 फरवरी को बर्थडे होता है। और फिर मुझे उन्होंने बोला कि हाँ मैं दर्शन दूंगा। मैं तो सुपर एक्साइटेड कि गुरुजी अब घर आएंगे 14 फरवरी को, और इतना यू नो सुबह सुबह उस दिन उन्होंने मुझे दो गिफ्ट भी दिए, उन्होंने मुझे एक यू नो गोडाइवा की चॉकलेट्स थी बड़ी बड़ी, और मैं ना चॉकलेट्स खाने की बिल्कुल भी शौकीन नहीं, मुझे नहीं पसंद, इतना मीठा नहीं खाती मैं, और 12 चॉकलेट्स थी, और वो भी बड़े बड़े, जैसे फेरोश होती है ना बड़े बड़े, उससे भी बड़े बड़े पीसेस उसके चॉकलेट्स के, और 12 थी, और मुझे बोला 3 दिन में खत्म कर लिए। मैं कहा अच्छा जी गुरुजी। फिर उन्होंने मुझे अताउल्ला खान की VCDs दी बैराग से भरी हुई, मैंने कहा बाद में जाके सुनी, वो तो सारी बैराग की है, मतलब बिछोड़े की और धोखेबाजी और दगेबाजी की। एनीवे वो मुझे दो गिफ्ट मिले उस दिन, मेरा बर्थडे गिफ्ट। एंड 14 तारीख को मैं सुबह सुबह 7 बजे सूट वूट पहन के, क्योंकि जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो हम ना सूट पहन के जाते थे, अदब से जाते थे, प्रॉपर क्लोज, ये नहीं कि आधे गाउन्स पहन के हम चले गए, पैंट शर्ट पहन के चले गए, बहुत अदब से, यू नो, क्योंकि मैं इसमें बीच बीच में थोड़ी सी लेक्चरबाजी भी कर दूंगी, सॉरी टू से, बट क्योंकि मुझे जो जो लगता है मैं वो बोलती जाऊंगी, बट जैसे अदब से जाते हो सूट पहन के। ऐसे एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार कोई संगत आई जो स्पेगेटी स्ट्रैप पहन के आई थी, यू नो,
और लड़की सी थी, और जिसकी नजर नहीं भी जानी होती थी उसकी नजर भी पड़ जाती थी, यू नो, और बड़ी सारी संगत फिर उसको देखे, क्योंकि अब दिख रहा है तो दिखेगा ही, क्या करेंगे आप उसमें। सो एनीवे, मैंने उसकी माँ को बोला, आप जब गुरुओं के पास आते हो तो ना आपको ढक के आना चाहिए, ये आप बाहर जो मर्जी कपड़े पहनो, जैसे मर्जी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपनी निजी जिंदगी है, पर कम से कम जब गुरुओं के पास आते हो तो उस स्थान को देख के आया करो, प्रॉपर ड्रेस पहन के आया करो, आधे पूरे ढंग के कपड़े दुपट्टे के साथ, यानी कि सिर पे दुपट्टा लेना, हम नहीं लेते थे कभी सिर पे दुपट्टा, बट हाँ प्रॉपर अदब से जाते थे। तो ऐसे करके तब भी हम वहां टोकते थे, उसके बाद भी बड़ी बार टोका, और कि आपको अदब से जाना है, क्यों, क्योंकि गुरुजी को फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीजों से, बट जो संगत आई है उसका ध्यान विचलित होता था, उसका ध्यान इधर उधर होता था, क्योंकि वो जिस पर्पस के लिए जाते हैं, हम गुरुजी के पास किस पर्पस के लिए जाते हैं, कि हम अपना कनेक्शन बनाएं, अपने कर्म सुधारें, हम अपने आप को गुरुजी से जोड़ें और ये जीवन अपना सफल करें, ऐसे करके हम जाते थे। तो एनीवे, चलो फिर मैं सुबह सुबह सूट पहन के बैठ गई, अब मैं वापस आ जाती हूँ सत्संग पे, तो मैं 7 बजे फटाफट सूट वूट पहन के अपना बिंदी विंदी लगा के मेकअप करके बैठ गई और वेट करती रही गुरुजी कब आ जाएं, क्योंकि पता ही नहीं, उन्होंने टाइम तो बताया ही नहीं था। मुझे ये पता था गुरुजी हाईली डायबिटिक थे, क्योंकि बहुत सारी शुगर और डायबिटीज अपने ऊपर ली थी, तो वो चीनी ज्यादा नहीं लेते थे, उनको नमक नमकीन चीजें मंगवाई या डाइट कोक मंगवाई। मैं वेट करती रही, सुबह से दोपहर हो गई, और हर आहट पे लगे गुरुजी आए, गाड़ी रुके, भागी मैं बालकनी में, ऐसे करते करते दोपहर हो गई, तो मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आ गए, की मदर्स आ गए मुझे विश करने, पहली बार मैं ज्यादा जानती नहीं थी, और मैं उनकी गुरुजी की बातें करूं और बताऊं उनको गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें, और मेरे हाथों में से खुशबू आ जाए गुलाबों की। मैं कहूँ मेरा वहम है, यू नो, हमारे को हम ये सब चीजों को समझ में नहीं आती थी हमें, तो मैंने कपड़े धोने वाले साबुन से धो के आई, फिर मैं गुरुजी की बात करूं फिर खुशबू आई, मैंने कहा पंगा नहीं लेते, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है जो भी है, ये गुरुजी हैं। सो करती रही, शाम को वो कहते हैं कि हम अपने हस्बैंड्स के साथ आएंगे, वो मैंने कहा लो अब गुरुजी कभी भी आ सकते हैं, अभी हस्बैंड्स के साथ आएंगे, मुझे नॉन वेज भी रखना है, मुझे ड्रिंक्स भी रखनी है, बर्थडे और केक काटना है और वो सब। एनीवे शाम को वो लोग आ गए, फिर शाम हो गई, फिर सब कुछ हो गया, और रात के 12 बज गए और गुरुजी आए नहीं, और मैं बालकनी में, बालकनी के पास ही चेयर लगा के बैठ गई, और मैंने कहा गुरुजी आप आए नहीं आज, आपने मेरा इतना दिल दुखाया, और मैं रोई, फिर खूब सारा रोई कि मैं तो आज सारा दिन वेट करती रही, यू नो, एक पांव पे खड़ी रही, भागती रहती थी, और आप आए नहीं आज, बड़ा दिल दुखाया गुरुजी, आप मनाओगे तो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी, ऐसे बोल बाल के उलामा सा देके अपने दिल की शिकायत करके मैं सो गई। सुबह उठ के गुरुजी से माफी मांग ली, सॉरी गुरुजी ऐसे ही मैंने बोल दिया, बट आपके बिना तो रहना बहुत ही मुश्किल है, बोल दिया, दिल की बात थी। एनीवे सुबह फोन आता है कि गुरुजी के दांत में बहुत दर्द था, इसीलिए ना वो आ नहीं पाए, उनको इमरजेंसी जाना पड़ा। मैं कह लो मैं भी उलामा दे दिया, चलो बात खत्म हो गई। थर्सडे को मैं वही फ्रेंड्स को लेके गई गुरुजी के पास जो मेरे घर आई थी, तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया, गुरुजी ये इतने प्यार से, वो जब हम लेके जाते थे किसी भी संगत को तो इतना प्यार से उनको बोलते थे, इतनी मिठास थी, यू नो, कहते थे अच्छा अच्छा। मैं कहा गुरुजी ये फ्रेंड्स है, हाँ जिदे नाल तू बर्थडे वाले दिन मेरी चुगलियां कर रही सी। मैंने कहा गुरुजी चुगली नहीं कर रही थी, आपकी बातें कर रही, कह रहे कोई गल है तू मेरी चुगलियां बड़ी कर दी है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। एनीवे अच्छा, फिर उनको बोला आया करो, यू नो, इतने प्यार से उनको बोलते रहे। फिर बैठ गए हम लोग, थोड़ी देर बाद मुझे इशारा करके बुलाते हैं, तो कहते हैं चरणों की सेवा थी तो चरण दबाने की, तो मैं चरण दबाए जा रही थी गुरुजी के, और वो देख के मुझे मुस्कुराए जाए, कभी कैसे मुस्कुराए, कभी टेढ़ी मुस्कुराहट, कभी कैसी मुस्कुराहट, और मैंने कहा आज तो गुरुजी बड़े अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि वो मुझे ही देख के जाके मुस्कुराए जा रहे हैं, कभी मनाए जैसे, यू नो, बड़ी अजीब अजीब मुस्कुरा। मैंने कहा आज गुरुजी का ना थोड़ा अजीब से लग रहे हैं मुझे, बड़ा टेंशन, मतलब डाउट सा नहीं होता बट वैसे मिजाज अजीब से लग रहे हैं, ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया। वो मुस्कुराते गए, मैं भी मुस्कुराते गए, इतना मुस्कुराते गए हम एक दूसरे को देख के कि मेरे तो गाल ही इतने थक गए। इतने में लंगर लग गया, तो गुरुजी ने कहा जाओ लंगर खाओ। मैं कहा आज पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया, समझ ही नहीं आई। एनीवे लंगर खाया, तो इतने लंगर खाते खाते दिमाग में ख्याल आया जितनी मुस्कुराहट कैसे, यू नो, किसी को नहीं गुरुजी देख रहे थे, बस हम दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा रहे, मैं मुस्कुराया था, मुझे देखे मैं उनको देखे, बस यही हो रहा था। मुझे लगा ओहो ये तो मेरा एक ख्याल, आप देखो एक थॉट, कौन सा ख्याल था मेरा
कि मैं आप रूठ गई हूँ, आप मुझे मनाओगे तो मैं मानूंगी। तो कितने प्यार से आधे घंटे से मुझे मुस्कुरा के, कभी आंख मार के, कभी कैसे करके, यू नो, बड़े प्यार से मुझे मनाया उन्होंने। तो मुझे समझ में आई, यू नो, कि देखो। और तो मैंने सॉरी भी मांगी अंदर से, दिल से, कभी मुंह से तो नहीं बोलते थे हम लोग, दिल से मांगी सॉरी कि गुरु जी मैं तो ऐसे ही बोल दिया, बट आपको कितनी बढ़िया है गुरु जी की, तब भी उन्होंने मेरा थॉट जो मेरे अंदर चलता है वो पढ़ा और वो भूले नहीं। मैं तो भूल गई ना, पर आपका जो थॉट है, जो आपका प्योर थॉट होगा ना, जो गुरु के लिए, गुरु के प्रति प्रेम का थॉट है, वो कभी नहीं भूलेंगे। पहले भी नहीं भूलते थे और आज भी नहीं। इसका भी एक और एग्जांपल है कि आज जो आपके मन में थॉट्स चलते हैं ना, वो पढ़ते हैं, वो जानते हैं। इसका भी मेरे को उन्होंने, यू नो, प्रूफ दिया, या प्रूफ तो देने की उनको जरूरत नहीं है, बट कभी कभी ऐसे मतलब खेल खेल में ऐसे हो जाता है, मतलब ये प्यार की चीजें होती हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो शिव पुराण की मैं सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरुजी ने 2006 में, मैं तो कोई पुराण सुनान तो मैंने कभी सुने ही नहीं थे कि क्या थे पुराण, और मुझे गुरुजी ने बोला 2006 में कि तू ना शिव पुराण लेके आई, मैं ब्लेस करना। मैं तो डर गई, मैं तो शिव पुराण ही नहीं पता था क्या होते हैं, ऊपर से शिव पुराण वो तो मैंने कभी सुना ही नहीं था अपनी लाइफ में। तो थर्सडे वाला दिन था, तो मुझे गुरुजी कहते शिव पुराण लेके मैं ब्लेस करनी। मैं कहा जी गुरुजी, मैं खुश हो गई, ऐसी बातों में हम बड़े खुश हो जाते थे, छोटी छोटी बातों में। लॉकेट गुरुजी के हाथ से मिल गया तो सुपर एक्साइटेड, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। सो थर्सडे को ही मुझे, मैंने वहां पर सिंगल अंकल थे, तो मैंने उनसे बोला मेरे को गुरुजी ने बोला है कि शिव पुराण लेके आनी है। मैंने कहा लो मेरी गाड़ी में पड़ी है। मैंने कहा वाह, मैंने कहा आज गुरुजी ने बोला, आज मुझे मिल गई। गोरख गीता प्रेस गोरखपुर वालों की चाहिए, गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था। मैंने कहा वो चाहिए? कहते हाँ वही तो है। मैं गई फटाफट लंगर खा के लेके आई, तो गुरुजी के पास लेके गई, तो गुरुजी ने क्या बोला, कहते हैं आज ना मैं बड़ा ही थक गया। मैं कितने प्यार से बोला, मैं बंदा तो वही धरती फटे और वहीं पर ही, इतने प्यार से, मैं बड़ा ही थक गया, आज बड़ी संगत आई थी ना, मैं थक गया, कल आ जाए, कल ब्लेस कराऊंगा। अब आप ये सोचो कि हम उनसे कितनी उम्मीदें रखते, कितनी बड़े हमारे गुरुजी, कितने पावरफुल, ब्रह्मांड के मालिक, जिसको मैं इनको ब्रह्मांड का मालिक मानती हूँ। कितने सारे ब्रह्मांड होंगे, उन सबके भी मेरे गुरु, मेरे मालिक, इतनी उनकी पावर, उनकी पहुंच है। बट वो हमारे लिए देखो कैसे बोल रहे हैं कि देखो मैं थक गया आज। मैं कितना बोला, कितना थक जाते होंगे, कितना भार डालते होंगे गुरुजी के ऊपर। ये बड़ा प्यार सा है। मैंने नेक्स्ट डे आई, गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दी, और ब्लेस करके सिर्फ यही बोला कि पढ़िया कर, अच्छा है, दैट्स ऑल। मैं पढ़ती गई उसके बाद, और सब जानते हैं वो अब क्या करते हैं, कि मैं तो जब पहले जब मैंने पढ़नी शुरू की, मैं तो रो पड़ी। वो मुझे हिंदी ना समझ में आए ढंग से, मुझे हिंदी आती ही नहीं थी, क्योंकि मैं मेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी थी, इंग्लिश में ज्यादा मैं सोचती हूँ, बोलती हूँ, लिखती हूँ, तो मेरे से तो वो वैसे भी वर्ड्स इतने भारी भरकम थे। मैं तो जब एक दो पेज पढ़े तो मेरे आंसू ही टपक पड़े उस शिव पुराण के ऊपर, इतना मैं रोई, मुझसे तो पढ़ी नहीं जाएंगे, और गुरुजी ने बोला पढ़ने के लिए। एनीवे धीरे धीरे करके मैंने बोला गुरुजी मुझसे तो पढ़ी नहीं जाएंगे, मैं कैसे पढ़ूंगी, ये वर्ड्स ही नहीं, मुझे तो बोलने ही नहीं आ रहे ये वर्ड, आधे इधर आधे उधर, आप समझ लेना। तो एनीवे करती रही, पढ़ती रही, फिर वो ना बहुत ज्यादा, जब गुरुजी ने बोला पढ़नी है, तो मैं तो कितने कितने अध्याय, पता नहीं कितनी कितनी पढ़ने शुरू कर दिए। तो नीरज एक दिन गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते तू भी पाटिया पढ़ लिया कर शिव पुराण, और ओल्गा ने तो अद्धी खत्म भी कर लेती है, पूरी कर, अद्धी खत्म हो गई होती। तो कहते अच्छा गुरुजी मैं पढ़ूंगा। जब वापस आए तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने आधी खत्म कर ली? मैंने कहा हाँ। कह रहे गुरुजी बोल रहे थे। तो आप यहाँ से एक बात का अंदाजा लगा सकते हो कि गुरुजी सब जानते हैं। अगर मैं पाठ में कहीं भी विघ्न डालूंगी या कुछ करूंगी, तो उनको पता होता है कि मैंने कितना पढ़ा, मैं कौन से पेज में और कौन से वर्ड में फंसी हुई हूँ। ये है उनकी पहुंच, इतनी बारीकी की पहुंच है गुरुजी की हमारे, और आज भी है। तो मैं पढ़ती रही, अब तो कितने साल हो गए पढ़ते उठते। बीच में ऐसा हुआ कि 6-8 महीने मैंने नहीं पढ़ी शिव पुराण, ऐसी रखती, यू नो, एक शेल्फ में प्रॉपर बनाया शेल्फ, और शिव पुराण बड़े अदब से उनकी एक फोटो रखती, तो मैं पढ़ा करती थी रोज। और 6-8 महीने हो गए, मैं ऐसे आलस कह लो, सत्संग करती रही, और फिर टाइम नहीं मिल रहा था, अपनी ही गलती थी मेरी तो, और कभी कुछ हो रहा था, तो मैंने पढ़नी, मैंने नहीं पढ़ी। और जब मैंने शिव पुराण 6-8 महीने हो गए, शिवरात्रि वाले दिन 2020 की बात बता रही हूँ ये, तो मैंने पढ़नी, तो मैंने मन में सोचा कि अरे मैंने शिव पुराण ही नहीं पढ़ी, ऐसे मन में ख्याल आया। मैंने कहा 6-8 महीने हो गए, ये किसे गलती होगी मुझसे। एनीवे मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी, मार्च आ गया। इतने में एक संगत है,
मैं नॉर्मली किसी के ड्रीम्स ज्यादा सुनती नहीं हूँ और मैं मानती भी नहीं इतनी जल्दी जब तक मेरे दिल में नहीं उतरते. थोड़ी सी स्टबर्न हूँ, थोड़ी हठीली सी हूँ, तो मन में मेरे उतरते नहीं है किसी के. जेन्युइन होने चाहिए एकदम, तब जाके दिल में लगते हैं. तो वो एक संगत आई, रेखा है उसका नाम, बहुत प्यारी संगत है वो भी. तो मुझे कहती है कि भाभी एक बात बताओ, ऐसी मिलने आई थी. कहती है ये ना गुरु जी कल आए थे ड्रीम में. मैंने कहा जी क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? तो कहते हैं कि गुरु जी कह रहे थे कि ओल्गा नु कह दे शिव पुराण पढ़ ले, 6-8 महीने तो उन्हें बंद करके रखी हुई है शिव पुराण, और मेरी नाल फोटो भी बंद करके रखी है, अपनी ब्लेसिंग्स भी बंद करके रखी हुई है. तो कहती है मैं गुरु जी को बोलती नहीं नहीं भाभी तो पढ़ती है, वो तो बड़ी पक्की है इस बारे में. कहते हैं नहीं नहीं आजकल नहीं पढ़ रही, जाके कह दे उन्हें. मैं हंसी, मैं खूब हंसी उस टाइम पे. मैंने कहा समझ में आ गई. मैंने कहा ठीक ही तो कह रहे गुरु जी, कभी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे. तू अभी उनके साथ आर्ग्यू करे जा रही थी. कहती सच में? मैंने कहा सच में 6-8 महीने जो मैं सोच रही थी, उनकी फोटो भी वहीं पड़ी हुई है. ये उनका कहना था कि शिव पुराण उसको बोल निकाल के पढ़े. तो जब मैंने ये सत्संग में सुनाया, जो अपनी जो मेरी आप बीती सुनाई, देखो सब कुछ जानते हैं, जानी जाने, आज भी वो जानते हैं. जैसे पहले की बात बताई, आज भी जानते हैं वो. तो जब उन्होंने ये बात बताया, मैंने संगत में बात ये वाली बात कही कि देखो मेरी ये नहीं कि उन्होंने मुझे कोई दंड दे दिया, मेरे साथ कोई कुछ बुरा हुआ या कुछ हुआ. उन्होंने क्या मेरे को मेरी गलती सुधारने का मुझे मौका दिया, कि बता दिया कि गलत कर दिया, तू पढ़ा कर, अच्छा तेरे लिए, ये तेरी ब्लेसिंग है, क्यों बंद करके रखे? मैंने तो तेरे को ब्लेसिंग दी थी ये वाली. तो मैंने जब ये सुनाया सत्संग संगत में, तो सारे के सारे बाद में मुझे कहे हमारी 1 साल से ऐसी बंद पड़ी है, हमने मंगाई है पर हमने शुरू नहीं करी, हमने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया. सारों की शिव पुराण बाहर आई और सबने पढ़नी शुरू कर दी होगी. और उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया. सो गुरु जी को पता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपका कौन सा टाइम आना है. लॉकडाउन में जो अंदर रखी थी सारे शिव पुराण पढ़ने बैठ, सब शिव पुराण पढ़ते हैं या जिनके पास है जो अपने अपने पाठ करते हैं. तो आज भी गुरुजी जानी जान है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो वो सब जानते हैं. आप क्या खाना खाते हो, आपकी छोटी सी छोटी बात जानते हैं वो, और वो आपको दिखा भी देते हैं. ऐसा नहीं है, बट ये बातें कहने की नहीं. अब मैं कहूँ कि आज मैंने साग खाया, गुरुजी ने मुझे साग खिला दिया, घर में बना था. सब देन उनकी है, सब कृपाएं उनकी है. आज मेरे घर में अनाज है, आज मैं घर में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा रही हूँ, ये भी उनकी कृपा से ही खा रही हूँ. आज मैं मेरे तन पे कपड़े हैं, ये भी उनकी कृपा है. पर ये बार बार नहीं बोला जाता कि ये गुरुजी का दिया है, ये गुरुजी ने मेरे को सूट खरीद के दिलवाया, ये मुझे दिलवाया, गुरुजी ने मेरे को ये करवाया, मेरे कपड़े खरीदवाए, देखो गुरुजी ने ये कलर मेरे को मैच करवा के दिया, ये गुरुजी ने बोला ये सूट ले ले. उस ब्लेसिंग को छोटा ना बनाओ, वो तो है ही, वो सर्वव्यापी है, हर जगह पे है, आपके अंदर बाहर आसपास ऊपर नीचे पूरे ब्रह्मांड में पूरी दृष्टि है उनकी हम सबके ऊपर. कोई भी हो, कच्चा पक्का भगत जिसको कहते हैं, गुरुजी कई बार कह देते हैं कच्चा है या पक्का है. तो मैं तो किसी को भी ले जाते, मैंने कहा पक्का है, सहेली हुई, मैंने कहा पक्का है. अब ये नहीं पता कच्चा भगत कहते थे, हम तो अपनी तरफ से पक्का ही कह देते थे. तो ये हम नहीं जानते, वो गुरुजी जानते हैं. एक और छोटा सी मैं बात जरूर कहूंगी कि ऐसी विचार के बारे में कि आपके जीवन में, क्योंकि जब गुरुजी चोले में थे तो सत्संग बहुत सारे होते हैं, सब सुनाते हैं, बट प्रैक्टिकली आज अगर आप भी उसी नाव में हैं जिस नाव में मैं हूँ, क्योंकि मैं भी गुरुजी को ऐसे नहीं देख सकती साक्षात, उनका आसन खाली देखती हूँ बड़े मंदिर में, तो मुझे बड़ा दर्द भी होता है. पता भी है वो एनर्जी है, बट है तो जो है वो है. लहराते हुए कैसे आते थे गुरुजी, और जब वो आते थे तो बैंड बजता था, हम ताली बजाते थे सारे, क्लैप करते थे, खड़े हो जाते थे. वो अपने लहराते हुए जैसे होते हैं ना, वो आते थे जैसे परमात्मा आता है. उनके वीडियोस देखो, कितना प्यार आता है ना गुरुजी के ऊपर उनके साथ. क्या बोलूं भाव, मतलब थोड़ी इमोशनल से हो जाते हैं कभी कभी, बोलते ही जाएंगे. फिर एक और मैं, और वो प्रैक्टिकलिटी आज भी मेरे लिए भी लागू है कि कभी वो सपने में ऐसे दर्शन नहीं देते, उनकी मौज आती है तो दे देंगे. हम अब तो सपने की वेट भी नहीं करते, हमेशा लगता है कि अब सपने में भी ना आए. अब ऐसे लगता है गुरुजी आपका एहसास 24 घंटे बना रहे, बाकी कोई सपने में नहीं. क्योंकि जब एहसास बना रहेगा तो ज्ञान भी अपने आप आएगा, एहसास बना रहेगा तो प्यार भी अपने आप उमड़ आएगा. तो ये सारी की सारी चीजें एहसास पे है कि उनका एहसास होना. अब ये थोड़ा मैं बताऊंगी मैं 24 घंटे दुनिया में ढिंडोरा पीटूंगी, मुझे तो 24 घंटे गुरुजी का एहसास रहता है. जब आपने बोल दी तो बात खत्म हो जाती है.
तो वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खोल दो तो खाक की। तो जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, जो बताने वाली है वो बताओ, जो नहीं बताने वाली वो आपके अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग है, आपका प्यार है। यू नो, ढिंडोरा पीटने से प्यार नहीं बढ़ता, बट प्यार, सच्चा प्यार करो, दिल से करो। ऐसे में इन दिनों एक किताब पढ़ रही थी, मैंने 2002 में खरीदी, मुझे शौक था, मेरे पास स्पिरिचुअल बुक्स बहुत हैं। और गुरु जी को मतलब गुरु जी को मिलने से पहले मैं सोच रही थी मेरे को तो कभी गुरु ही नहीं मिलेगा, स्वामी राम भी चले गए, ओशो की किताबें पढ़ती थी, मैंने कहा ये लोग भी चले गए, अभी जब बुढ़ी हो जाऊंगी या जब मैं मिडिल एज बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब हिमालय में जाके ना गुरु ढूंढूंगी, वहां मिलेंगे गुरु। ये नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में गुरु आने वाले हैं। तो तब मैंने खरीदी थी बुक, और मैं वो एक है ट्रेडिशंस ऑफ द हिमालयन मास्टर्स, तो मुझे अच्छा लगता था कि हमारी संस्कृति पुरानी है, मुझे अच्छा लगता है कि क्या क्या है उसके अंदर। तो कोई कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैंने वो पढ़नी शुरू की, इतनी खो गई इस बुक के अंदर कि मेरे को लगा कि ओ माय गॉड, ये तो कुछ और ही दुनिया, ये दुनिया कितनी फीकी है, क्या हम पेटी चीजों में, उसके पास पैसा ज्यादा, मेरे पास घर छोटा, उसके पास घर बड़ा, उसकी गाड़ी बड़ी, उसके ने डायमंड पहना हुआ है, मैंने ये नहीं पहना हुआ, और उसके पास पावर ज्यादा है, मेरे पास कम है। आई मीन, हम कैसी छोटी छोटी बचकानी हरकतों में पड़ गए हैं, और ब्रह्मांड कितना अजीब सा है, गुरु कितने डिफरेंट है उस ब्रह्मांड के मालिक, यू नो, कहाँ फंस गए हैं सारे। मैं कहा ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही गुरु जी, ये वाली दुनिया ज्यादा बेटर है, क्योंकि कहीं और चली गई थी मैं, दूसरी दुनिया में पहुंच गई, मतलब वैसे नहीं बट हाँ अपने ख्यालों में और गुरु जी के साथ। सो ऐसे करते करते फिर मेरे पास रेखा एक दिन कहते यार गुरु जी क्या, कभी कभी ज्यादा आ जाते होंगे उसके ड्रीम में, तो ये मेरा और गुरुजी का अपना एक सिस्टम है। सो मुझे कहती है आजकल आप कौन सी दुनिया में चले गए हो, मैंने कहा मैं कौन सी दुनिया में, तो इधर ही रह रही हूँ। कहते नहीं नहीं गुरुजी बोल रहे हैं आजकल वो किताब पढ़ी एक दूजी दुनिया में हो गई है। मैं इतना हंसी, मैंने कहा देखो उसको क्या पता कि मैं क्या पढ़ती हूँ, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या किताबें पढ़ती हूँ, या मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, बैठती हूँ क्या, आप थोड़ा सारा बताते हो किसी को, वो आपका अपनी पर्सनल लाइफ और प्राइवेट स्पेस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों मैं ये सत्संग कर रही हूँ, ये तो छोटी सी एक बात है बट बहुत बड़े इसमें एक सीख और लेसन है कि गुरुजी आपको देख रहे हैं, आपके जीवन में जो दुख है, जो सुख है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब जानते हैं। बट ये मत सोचो कि इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, नहीं। गुरुजी कोई जादूगर है नहीं, गुरुजी मिरेकल मैन है नहीं, वो अपनी मौज में मिरेकल करते हैं, वो अपनी मौज में अपनी मौज में सारा कुछ देते हैं आपको, पर उनकी मौज लेने वाले बनो। उनकी मौज कैसे आएगी, मतलब आपके कर्म, आपकी उनकी मौज, आपके कर्म भी हो उनकी मौज भी हो। और जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े फंक्शंस में खासकर, क्यों बड़े फंक्शंस में हम खासकर गुरुजी की मौज बहुत होती है उस दिन। कौन सी स्टार्स की अलाइनमेंट होती है मैं नहीं जानती, मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, बट ये जरूर जानती हूँ कि जितने गुरुजी ने 5 बड़े फंक्शंस रखे हैं बड़े मंदिर में, उनमें तो खासकर गुरुजी की मौज होती है। उसमें आपके कर्म अच्छे बुरे जो भी है वो लेखे जोखे नहीं, उस दिन गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स होती है, और भरपूर भरपूर यू नो ब्लेसिंग्स उस दिन गुरुजी देते हैं, यू नो, तो उस दिन मौज होती है। क्यों, क्योंकि इससे भी मुझे क्यों याद आया कि एक बार मैं किसी को लेके गई थी, तो जब गुरुजी चोले में थे तो उन्होंने यही बोला कि तू ना शिवरात्रि वाले दिन आ जाना। तो ओल्ड लेडी थी, उनके घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम थी, पर वो ना गुरुजी को एक बार लेके गई, कहती कैसे अजीब अजीब से गाने बजाते हैं, शब्द तो ठीक है, बाद में गुरुजी जैसे अखियां चतू वसदा, फिर यू नो डिफरेंट तरीके के गाने होते थे, अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसे गाने यू नो हम सुनते थे बाद में, या सुनो महाराजा। तो कहती ये क्या एक अजीब से गुरु है। एनीवे उन्होंने बोला शिवरात्रि वाले दिन आना, तो जब शिवरात्रि वाले दिन फिर जब वो नहीं आई, तो गुरुजी ने जब मैं आगे लेने के पूछा कि वो आई, मैंने कहा नहीं गुरुजी वो नहीं आई। कहते देख अपना कल्याण करा, मैं आज कल्याण करना सी रह गया उदा कल्याण करना। कई बार ऐसे होता था कि कहीं नहीं जा पाते थे तो गुरुजी उनका नाम भी का देते, पर ये नहीं कि हिदायत किया कि आपको सबको जाना है, जो बुजुर्ग हैं, जो आप नहीं जा सकते चल सकते, आपको घर बैठे ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि वो टाइम और था, अब टाइम कुछ और है। यू नो बच्चे नहीं लेके ज्यादा जाते थे हम, तो नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं गुरुजी के पास बच्चे लेके गई, यू नो बहुत रेयरली, बड़े फंक्शंस में ले जाती थी, बट एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे मेरे बच्चे मुझे लगता है हार्डली एक दो बार गए होंगे, क्योंकि एक डेकोरम मेंटेन करना था, वो बोर हो जाते थे, उनको समझ नहीं आती
ये सब चीजें डिसिप्लिन में बहुत रहते थे, बात नहीं करते थे, बट स्टिल क्योंकि गुरुजी कहते थे उनकी ग्रोथ होने दो, अपने आप वो बढ़ेंगे, अपने आप मेरे पास आएंगे, अपने आप होगा सब कुछ। तो इस तरीके से गुरुजी से जुड़े रहो, कनेक्शन बनाओ। कई बार लोग कहते हैं कनेक्शन कैसे बनाना चाहिए, बड़े सवाल जवाब होते हैं, सब बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होगा, यू नो सब हम कह देते हैं इतने बड़े बड़े लव्स, पर समझाएं कैसे किसी को कि डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। आपको अपना डायरेक्ट कनेक्शन कई बार ना खुद ढूंढना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कोई अपने गुरु मतलब गुरु जी के साथ हम जैसे मैं बात करती हूँ, मेरा कनेक्शन कैसे बनता है कि मैं उनसे सारी बात करती हूँ, मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे कोई बेस्ट फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे दिल के अंदर जो बातें हैं वो मैं गुरु से सारी करती हूँ। चाहे वो नेगेटिव बात हो, चाहे वो पॉजिटिव बात हो, मेरे मन का कोई भी ख्याल आया, मेरे मन में कोई ईर्ष्या आ गई है, मेरे मन में कोई लालच आ गया है, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे मन में ये बात आ गई है, गुरु जी मेरे को ये आज फीलिंग आई पर अच्छी नहीं लगी। क्योंकि आप देखोगे ये जितनी भी नेगेटिव बातें ना, ये आपको आपके अंदर ना तिलमिलाहट सी पैदा करती है, हार्मनी नहीं लाती। पर आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचोगे आपको बड़ा अच्छा फील होता है, और जब आप ऐसी बातें सोचते हो तो आप बड़े नेगेटिव और अपने लिए भी नेगेटिव होते हो, दूसरों के लिए भी। बहुत सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है। तो मैं अपनी जो भी दिल की बात होती हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मेरे मन में जो भी विचार मेरा चल रहा होता है, मैं अपने गुरु से बात करती हूँ, ख्यालों में बात करती हूँ, और मैं सारी बात कर लेती हूँ, और मैं इतनी हल्की सी हो जाती हूँ, और मुझे उनका एहसास होने लगता है। जब आप शब्द कीर्तन में बैठते हो तो आपको शब्द नहीं भी समझ में आ रहे, कोई बात नहीं, पर जो शब्द की वाइब्रेशन है वो गुरु जी आप तक पहुंचाते, वो आपका कनेक्ट होता है, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। गाने बहुत अच्छे होते हैं, लोगों ने लिखे होते हैं, बट जो गुरु जी ने हमें शब्द कीर्तन के साथ जोड़ा है, ये गुरुओं की बानी है, ये भक्तों की बानी है, जिनकी अपनी कमाई है इतनी सारी, उस कमाई के अंदर जो वाइब्रेशन है वो आज तक हम महसूस करते हैं, और जब वो गुरु जी के यहाँ बजती है तो उसका 100 गुना ज्यादा असर होता है। तो आप जब नहीं भी समझते, धीरे धीरे समझ भी जाओगे, ज्ञान देने वाले भी वो हैं, कर्ता भी वही हैं, कारण भी वही हैं, पर मानोगे तब। मांगो मत जाके, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं होता, मांगने से तो प्लानिंग करने से भी कुछ नहीं होता। आप सोचो अच्छा और सब कुछ अपने आप अच्छा होता जाएगा। तो बड़े प्रेम से गुरु जी से जुड़ो, शब्द एक शब्द चला लो, गुरु जी के नाम की जोत जलाओ, उसका प्रकाश आपके बाहर भी है तो अंदर भी आ जाएगा, और अपने दिल की बात गुरु जी से जरूर कहो। मांगो मत, मान के बोलो कि आप मेरे अपने हो, और कोई दुनिया में मेरा नहीं है आपके सिवा। दुनिया तो बाकी मजाक उड़ाएगी, कोई आपकी बैक बाइटिंग करेगा, कोई आपकी अच्छाई करेगा, बहुत प्रशंसा भी करेगा, तो उन सब चीजों से हट के सिर्फ जाओ। जब भी आप बड़े मंदिर जाओ या सत्संग में जाओ, डायरेक्ट गुरु जी की गद्दी पे मत्था टेको, चाय प्रसाद लो, सिंपल शब्द कीर्तन सुनो, उसका रस लो आंख बंद करके, आगे पीछे कुछ मत देखो, कौन क्या कर रहा है, किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, कौन आ रहा है, सोशलाइजिंग नहीं करनी, क्या करोगे उसका कार्ड इससे एक्सचेंज करके। गुरुजी बिल्कुल सख्त खिलाफ थे इस चीज के। इसका भी मैं सत्संग सुनाती हूँ देन। अच्छा, मैं पहले कनेक्शन की बात कर रही थी। चाय प्रसाद लो, बड़े मजे से प्यार से लंगर छको, गुरुजी ने जो इतने प्यार से, ये आपकी मेडिसिन है, आपकी फिजिकल, आपके रोगों की मेडिसिन, आपकी मेंटल परेशानियों की मेडिसिन, ये गुरुजी की दवाई है, एकदम से आपको पूरा 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 आपको ठीक करती है, पूरा सिस्टम आपको सेट करती है वो। बस इतना करो और घर वापस आ जाओ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो तो सही आपका कनेक्शन दिन ब दिन, जब आप पहली बार मंदिर में जाते हो, आप किसी को नहीं जानते, कोई संगत को नहीं जानते, आप सिर्फ गुरु को जानने के लिए जाते हो, तो वही मेंटेन करो कि मेरे को गुरु जी को जानना है, मेरे को अपने आप को जानना है, अपने आप को गुरु जी में समर्पण करना है। इस भाव से जाओगे तो देखो तो सही क्या कनेक्शन बनता है। 24 घंटे आपकी रगों में जैसे खून दौड़ता है ना, वैसे गुरु जी का एहसास दौड़ेगा आपके अंदर। और इस नोट पे मैं छोटा सा कुछ सत्संग करना था, मैं भूल गई कौन सा सत्संग करने वाली थी। आई थिंक इतना काफी है, अगर इजाजत हो बस जुड़े रहो गुरु जी से, खूब सारा प्यार करो। बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि गुरु जी के पास आके सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, होती हैं कि एकदम चमत्कार होता है कि आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। नहीं, गलत है ये सोचना हमारा कि गुरु जी के पास आने से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम, हमारे कर्म भी तो ऐसे है ना। जैसे अगर मेरी लाइफ में
गुरुजी ने हेलीकॉप्टर दिया, सब कुछ दिया, बट उसके बाद मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई, मेरी बहुत उठा पटक हुई, इतनी ढेर प्रॉब्लम्स आई कि मैं थक गई, मैं डर गई उन प्रॉब्लम से, मैं पर डगमगाई नहीं ना गुरुजी के लिए मेरा, क्योंकि मेरा विश्वास गुरुजी पे था कि जो मेरा ये कर्म भी जा रहा है, जो मेरी ये लाइफ की इतनी स्थिति जा भी रही है, इतनी परेशानियों से मैं गुजर रही हूँ, ये आपको छू के निकली है, तो मैं भी वो सहन कर सकती हूँ, मैं भी उसको अपना के, उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और जितना जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ कि मैं परेशानियों से गुजरी, मेरी उठा पटक हुई, मेरी मैं तो पूरी 360 degrees मेरी जिंदगी बदली, तो मैं आज जब निकली हूँ तो आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी ने निखार दिया है, जैसे सोने को तपाते ना, और हर संगत गुरुजी के लिए अगर हम उससे निकलते हैं तो हम खरे ही निकलेंगे और खूबसूरत भी निकलेंगे और हम गुरुजी की चमकती हुई संगत निकलेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में परेशानियां भी है तो सोचो कि गुरुजी हमें निखार रहे हैं, इसको नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो, अपने कर्म के हिसाब से हमें मिलता है ना, बर्तन हमारा कितना साफ है फिर भी हमारे को गुरुजी ने हिम्मत दी है। सबसे ज्यादा जो क्वालिटीज गुरुजी ने, जो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, पता है गुरुजी ने हमको कितने बड़ा खजाना दिया है, पॉजिटिविटी का, आपको हिम्मत का, आपके अंदर परमात्मा की जो ज्योत जल रही है, जो आप गुरुजी गुरुजी करते हैं, कभी किया है किसी के लिए, नहीं किया, तो जो गुरुजी ने आपको ये हिम्मत और आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया है, कभी इसके बारे में बात करो कि आज मुझे परेशानियां हैं बट गुरुजी ने मुझे इतना पॉजिटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस दिया है अपनी लाइफ के अंदर कि मेरी ना अंदर से बात निकलती है चक दे फटते। सो इस नोट पे सारी संगत, बहुत चमकती हुई संगत बने, हम भीड़ ना बने, हम संगत बने, हम अगर गुरुजी से कुछ कहते भी आप कह दो, मांगो मत, अपने दिल की बात कह दो कि मेरा ये काम है गुरुजी, आप देख लेना, अगर लगता है ठीक तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑर्डर नहीं करना गुरुजी को, ये करके छोड़ना है, बच्चा देना है, इसको शादी करनी है, वो सब नहीं करना, सिर्फ बोल देना अपनी बात और पीछे हट जाना है। तो गुरुजी से आप एक शाइनिंग संगत बनो, एक खूब एक जैसे संगत होती है ना, जहां जहां हम जाएं तो ये बोले देखो ये अलग से चमकती हुई संगत नजर आ रही है, खूबसूरत सी, देखो ये तो गुरुजी वाले ही लगते हैं भाई, इनके मत्थे पे कितनी चमक है, ये कैसे प्यार से बोलते हैं, कोई संगत में आता है कितना मिठास है। तो इस नोट पर खूब सारा प्यार सारी संगत को एंड बहुत बहुत सारा प्यार आप सबको और बहुत सारी गुरुजी की मेहर बरसे आप पर, हम पर, पूरी दुनिया पर। और मुस्कुराते रहिए प्रॉब्लम्स में भी, आंसू आते आते भी मुस्कुरा देना, आप देख लेना कि आपका जीवन सफल होगा और गुरुजी का आना हमारे जीवन में सफल होगा और हमारा भी, जब हमारे लाइफ में गुरुजी आए हमारा जीवन सफल हो गया उनको मिलके। और बस इस नोट पे जय गुरुजी और बहुत सारा प्यार और अच्छी संगत हम बने, प्यारी संगत बने और गुरुजी का नाम रोशन करें। जय गुरुजी।